नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा की इस सरकार ने 15 वर्षों में बिहार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगवाया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगवाई, लेकिन हाँ तबादला उद्योग ज़रूर लगाया है। अभी जून महीने में सुशासन बाबू के आशीर्वचन और पावन सन्निधि में सबसे बड़ा तबादला घोटाला हुआ ताकि जनादेश अपमान की लाज रखी जा सके। ये पूछिए कि किस विभाग में घोटाला नहीं हुआ। बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियमों को सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। आगे तेजस्वी ने कहा कि इस सरकार में कैपेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का कोई मापदंड नहीं है। जो जितना चढ़ावा चढ़ाएगा उसे मन वांछित पोस्टिंग मिलेगी। मैं बिहार के सभी योग्य और प्रतिभाशाली अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि इस भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था का कड़ा विरोध कीजिए। अगर योग्यता की जगह पर चढ़ावा पैमाना होगा तो धरातल पर कोई सकारात्मक विकास कार्य नहीं होगा। पोस्टिंग पाने वाले कर्मचारी 100% भ्रष्टाचार होंगे। इसमें सीधा नुकसान योग्य और ईमानदार कर्मचारी और जनता का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जून महीने में राजस्व, भूमि सुधार, परिवहन, पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, कार्य विभाग इत्यादि विभागों में तबादले के लिए बोली लगी है। अगर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी में तनिक भी नैतिकता बची है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों का इस्तीफा लीजिए, अन्यथा स्पष्ट है कि आप ऐसे भ्रष्ट परंपरा के संरक्षक हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा है तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।